अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन विद एग फ्राई राइस। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स में चिकन ले लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 अदद अंडा, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी। वन टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून विनीगर। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। नमक ऐड करेंगे हसबे जायका। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। लो फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, तो इसमें हम क्यूब्स डालते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप जब भी चिकन मंचूरियन बनाएं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लाजमी इसको मैरिनेट के लिए रखें चिकन को, और फिर इसको पकाएं। तो मैंने वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने इसको मैरिनेट के लिए नहीं रखा, तो मैंने जल्दी से इसको कुक कर लिया है। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। तो माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी सॉस रेडी करते हैं। सॉस के लिए तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें 1/2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और इसको हम कुक करेंगे। और अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। शिमला मिर्च मैंने ली है, गाजर और प्याज। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस शेप में भी इन सभी चीज़ों को कट करना चाहते हैं। तो हरा प्याज, ये सभी चीज़ें मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पकाई हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 प्याले के करीब करीब मैंने केचप ऐड की है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में तो इजीली दस्तयाब है। केचप ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से कुक करेंगे। तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चीनी डाल रही हूँ तकरीबन 1 1/2 टीस्पून के करीब करीब मैंने चीनी ऐड की है इसमें, विनीगर 1/2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम फिर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड करके अच्छे से इसका पेस्ट बना के तो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं बनाना, कम मिकदार में डालना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब करीब ऐड किया है। एक से दो मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। तो
माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, हमारा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी सा लग रहा है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे हम एग फ्राई राइस बनाते हैं, तो उसके लिए 1 टेबल स्पून के करीब करीब मैंने ऑयल ऐड किया है। इसमें मैंने फिर से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। 2 अदद तकरीबन मैंने अंडे लिए हैं। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारा अंडा पक जाए तो हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, ये चीज़ें ऐड की हैं। अच्छे से कुक कर लें। यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करते हैं। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 1/2 टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। कोशिश करें राइस को तकरीबन 2 से 4 घंटे गुजर जाएं तो फिर आप इनके एग फ्राई राइस बनाएं, तो फिर आपके एग फ्राई राइस बहुत अच्छे बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। तो माशाल्लाह से हमारे एग फ्राई राइस बहुत जल्दी से रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो माशाल्लाह से डिश आउट कर रहे हैं चिकन मंचूरियन को भी। आप लुक चेक करें और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी देखने को मिले। ये देखें जी, हमारे जो एग फ्राई राइस हैं वो रेडी हो गए हैं। और मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।